कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ ने देश को अब तक 14 केंद्रीय मंत्री दिए हैं। 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ गठन के पहले तक 10 मंत्रियों ने केंद्र सरकार में जगह पाई। राज्य के गठन के बाद पिछले 4 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को हर लोकसभा में एक केंद्रीय मंत्री यानी अब तक 4 केंद्रीय मंत्री मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 14 केंद्रीय मंत्रियों में विद्याचरण शुक्ल, बृजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, मोतीलाल वोरा, इन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी संभाली। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र ने छत्तीसगढ़ पर फोकस किया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा के बीच ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के खाते में कम से कम एक मंत्री पद आ सकता है। अपने घर को तोड़ना, परिवार को उजाड़ना कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस पर यह तंज कसा है बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लीडर खुद को स्थापित करना चाहता है, पार्टी को नहीं। धनेंद्र साहू के बाहरी प्रत्याशी वाले बयान पर संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। 100 की संख्या को 15 साल में पार नहीं कर पाए। सरकार बनाने के लिए 15 साल और लगेंगे। मैं तो ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की स्वीकार्यता लगभग समाप्त हो गई है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। 15 साल में वो, यदि 2014 में वो 44 सीट पर रहते हैं, 2019 में 52 में आते हैं और अब 99 पर पहुंचते हैं। 100 की संख्या भी ये 15 साल में प्राप्त नहीं कर पाते तो सरकार बनाने के लिए इनको 15-20 साल और लग जाएंगे। और कांग्रेस कभी संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस नेता आधारित पार्टी रही है, कांग्रेस परिवार आधारित पार्टी रही है। गांधी परिवार के नाम पर चलने वाले, नेताओं के पीछे चलने वाले ये पार्टी है, इसलिए आज संगठन लगभग समाप्त हो गया और कांग्रेस बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है केवल पर्दा डालने की कोशिश है। तमाम वो दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे, जो मंत्री थे, वो सब के सब चुनाव हारे हैं। ये इनकी अकर्मण्यता है, ये इनकी निष्क्रियता है, ये जनता के प्रति जो इन्होंने विश्वासघात किया है उसका लगातार 6 महीने के अंदर में दूसरा परिणाम इनको सामने आया। अपने घर को तोड़ना, अपने परिवार को उजाड़ना, अपने लोगों को निपटाना, ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। तो मुझे लगता है शुरुआती दौर में ये चर्चा सामने आई थी कि ये वक्तव्य क्यों दिया गया, ये क्यों किया गया है। तो ये कांग्रेस के अंदर में आंतरिक गुटबाजी है। कांग्रेस का हर एक लीडर स्वयं को स्थापित करना चाहता है, वो पार्टी को स्थापित करना नहीं चाहता है। उसका मूल कारण यही है कि TS सिंहदेव जी की अंदर से कुछ प्लानिंग हो। मुझे लगता है कि आज TS सिंहदेव ज़्यादा प्रसन्न होंगे। विधानसभा चुनाव वो हारे थे, भूपेश बघेल लोकसभा हार गए, मामला बराबर का हो गया। यही तो कांग्रेस की रीति नीति है। इधर राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। चुनावी आचार संहिता के चलते प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अब फिर फॉर्म भरने शुरू होंगे। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा है कि जल्द ही विभाग इसके बारे में निर्देश जारी करेगा। योजना का अनुचित तरीके से लाभ लेने की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों की जांच होगी। अभी आप सभी के माध्यम से ही संज्ञान में आया है कि ऐसे कुछ आए हुए हैं, तो उसका निरीक्षण करवा के अधिकारियों के माध्यम से। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि योजना बंद हो जाएगी लोकसभा के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है सामने लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कहती है वो पूरा करके दिखाती भी है। और इन कम समय में हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास की सरकार है। और सरगुजा में मतदाताओं के लिए नोटा विरोध का माध्यम बनता जा रहा है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सरगुजा संसदीय सीट पर एक बार फिर नोटा तीसरे नंबर पर आया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा को 31,104 वोट मिले थे, 2019 में 29,265 वोट और 2024 के लोकसभा चुनाव में 28,121 वोट, और अब ये तीसरे नंबर पर है। नोटा के प्रति जो लोग हैं वो जिस तरह से दबा रहे हैं उससे सरगुजा के जनप्रतिनिधि परेशान हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि जनता का विश्वास राजनीतिक दलों में कम हो रहा है। जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो जनता जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध नोटा का विकल्प चुनती है। कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों से नाराजगी नोटा में ज़्यादा मत आने का कारण है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर जनता का विश्वास कम हो रहा है।
सारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस बात का लोगों ने ख्याल रखा कि उन्हें शायद दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहे थे, और जिसको भी विरोध प्रकट करने का भी तरीका बना करके रखा हुआ है। सरगुजा में नोटा के प्रति लगातार जागरूकता बढ़ते जा रही है, और इस चुनाव में भी यही देखने को मिला नोटा का मिजाज। लोग वोट डालने जरूर आ रहे हैं, मगर किसी भी प्रत्याशी को वोट न दे करके नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। हमको जो आप प्रत्याशी दे रहे हैं दोनों राजनीतिक दल के, वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। बलौदाबाजार में सड़क निर्माण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कसडोल विकासखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग का यह मामला है। कसडोल विकासखंड के पुटपुरा दौनाझर सड़क मार्ग को जोड़ने का काम हो रहा है। गांव में करीब 3.5 करोड़ की लागत से पक्की सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। आरोप है कि निर्माण में खेत की मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया गया, जो अपेक्षाकृत कमजोर होती है। शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं। मैंने खुद निरीक्षण किया है, और इसके अलावा मेरा सब इंजीनियर भी समय समय पर गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं, ठेकेदार को लिखित में भी दिया जा रहा है, मौखिक भी दिया जा रहा है, और इस प्रकार के किसी प्रकार की मनमानी वाली बात नहीं है, और कार्य को गुणवत्तापूर्वक ही कराया जाएगा। मुंगेली में धान खरीदी में लाखों के गबन का मामला सामने आया। 39 लाख से ज्यादा के गबन के आरोप लग रहे हैं। खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR भी दर्ज की गई है। अखरार धान खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला है। अब सख्त कार्रवाई से गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बलौदाबाजार में फिर से डायरिया का प्रकोप है। पलारी विकास खंड में फिर से डायरिया के केस आए हैं। लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। 6 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, डायरिया से 70 साल के बुजुर्ग की कल मौत हो गई थी। 15 दिन पहले ही पलारी ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया फैल गया था। तब 50 से ज्यादा लोग डायरिया के शिकार हुए थे, और अब एक बार फिर डायरिया फैल रहा है बलौदा बाजार में। जगदलपुर में विश्व की सबसे बड़ी कुटुंबसर गुफा 4 महीने के लिए बंद हो जाएगी। समय पर मानसून के बस्तर पहुंचने पर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुंबसर गुफा है, इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बारिश में गुफा के अंदर पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है। अब 4 महीने तक पर्यटक कुटुंबसर गुफा को नहीं देख पाएंगे। गुफा को 4 महीने के लिए बंद किया गया है, क्योंकि पानी भरने का खतरा रहता है, और अब बस्तर में यह माना जा रहा है कि वक्त पर ही मानसून पहुंचेगा, और यही वजह है कि अब यह फैसला लिया गया है कि मानसून के चलते 4 महीने के लिए इस गुफा को बंद कर दिया जाएगा। कुटुंबसर गुफा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। वैली नेशनल पार्क के अंदर है अभी, जो कि कुटुंबसर एक केव है, केव में पानी भरने की संभावना बनी रहती है। इसको ध्यान में देखते सामान्यतः 15 जून के बाद अगर बरसात बढ़ जाती है तो बंद कर दिया जाएगा पार्क। कितने महीने तक बंद रहेगा सर? 15 जून से अक्टूबर तक के। और इसी के